आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मेरा नाम चेतन मिश्रा है और मैं समाज सेवी हूँ, उन्नाव जिले से हूँ। अभी जैसा कि एक ऑडियो वायरल हुआ फरुखाबाद DM साहब का और मेरा, जिसमें मैं फरुखाबाद DM साहब से मदद की गुहार लगा रहा था एक पीड़ित के लिए, फरुखाबाद निवासी के लिए, एक सिलेंडर के लिए मैंने बात किया। तो DM साहब का कहना था कि हमारे पास कोई भी किसी तरीके की गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है और 5 लोग मर चुके हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हो। जब मैंने उनको अपना परिचय बताया कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप इतना कर दीजिए कि एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए इस मरीज को, मैं यहाँ लखनऊ से किसी न किसी माध्यम से समाज सेवकों से बात करके मैं उसको गैस मुहैया करा दूँगा, रिफिलिंग करा दूँगा। तो उन्होंने बड़े ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया मुझसे और उन्होंने बोला कि आप लोग समझ नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किनारे रख दिया और फ़ोन कॉन्फ्रेंस पे था और फ़ोन पे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि सर, इनको जितनी जल्दी हो सके इनके जैसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए ताकि आम जनमानस को कोई तकलीफ ना हो। कहीं से भी आपने मुझे प्राप्त हुआ था कि सारे DM के नंबर मुझे मिले थे और जब एक असहाय व्यक्ति था जिसने मुझे 3-4 घंटे लगातार कॉल किया, जब कहीं से मदद नहीं मिल पाई तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ के DM साहब से बात करूँगा, फरुखाबाद के DM साहब से बात करूँगा और उनसे मैं सामान या उसको सुविधा मुहैया करवा दूँगा। पर DM साहब का इस तरीके से व्यवहार मेरे सामने और आम जनता के लिए दिखाया गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। इस वजह से मैंने अपने फेसबुक पे एक ऑडियो डाला और उस ऑडियो को आप लोगों ने शेयर किया, वायरल किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और अपने मीडिया भाइयों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पहुँचाना चाहता हूँ संदेश कि मानवेंद्र सिंह जैसे लोगों को, IAS हैं, DM हैं फरुखाबाद के, इनके जैसे लोगों को कार्यशैली इनकी अच्छी नहीं, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाए, पूरी जनता की मांग है। धन्यवाद। फरुखाबाद में सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में जिलाधिकारी ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में 5 मौत होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति जिलाधिकारी से अपनी दादी के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाए जाने की बात कर रहा है, जिसके जवाब में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ऑक्सीजन खत्म होने की बात कर रहे हैं। फरुखाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। ऑक्सीजन के अभाव में मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर जिला प्रशासन मौतों के आंकड़े छुपाने में लगा हुआ है, जबकि जिले में 2 से 3 दर्जन लगातार मौतें हो रही है। जिले के सबसे बड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए L2 अस्पताल को हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हो रही है। ऑक्सीजन की कमी की बाबत जिलाधिकारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिलाधिकारी स्वयं ऑक्सीजन की कमी की बात स्वीकार कर रहे हैं और जिले के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मौतें होना स्वीकार कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपकी शब्दावली, आपकी शब्दावली क्या है? इस तरीके से आप भड़का करके, डांट करके जो बात कर रहे हैं मरीजों से, तो आपके फरुखाबाद के लोग कैसे, किससे आस लगाएंगे फिर? DM साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेतन मिश्रा समाज से भी मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, लिख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन लगा के कॉन्फ्रेंस पे कराऊँ आपकी बात। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं मरीज से?